गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग लिटरेचर स्टडी एंड दिस लेक्चर इज फॉर 14th of May 2020, क्लास 8 इंग्लिश. कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज इज द नेम ऑफ द बुक. दिस इज लेसन 1 एंड लेक्चर 4. So the name of the chapter is Three Questions which we are reading right now and written by Leo Tolstoy. Dear students, we have studied three lectures so far. So directly we are going to the fourth lecture where we'll start from the chapter from where we left. The hermit, we call it R is silent in this, the hermit silently handed over the spade and sat down on the ground. जो हर्मिट था उसने चुपचाप जो है स्पेड जो कसी जो गुदाली थी उसको चुपचाप जो है किनको दे दिया और ग्राउंड पर बैठ गया. When he had dug two beds इतनी जगह उसने खोद दी. The king stopped and repeated his questions. किंग ने काम करना बंद कर दिया, डिगिंग करना बंद कर दिया और अपने क्वेश्चन को रिपीट किया, दोबारा से बोला. द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर. उस समय भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, संत ने कोई आंसर नहीं दिया. बट रोज खड़े हुए स्ट्रेच्ड अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया. स्ट्रेच करना मीन्स इसको हम अंगड़ाई लेना बोल सकते हैं. अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया. आउट हिज हैंड फॉर द स्पीड एंड सैट. अपने हाथों को स्पीड की तरफ बढ़ाया उठाने के लिए. नाउ रेस्ट अवाइल. और कहा कि आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें. एंड लेट मी वर्क अ बिट. और थोड़ा मुझे भी काम करने दें. बट द किंग डिड नॉट गिव मी हिम द स्पीड. लेकिन राजा ने उसे जो है वो स्पीड वो कसी नहीं दी. एंड कंटिन्यूड टू डिग. और वो कंटिन्यू खुदाई करता रहा. वन आवर पास्ट. एक घंटा बीत गया. एंड अनदर. और उसे भी एक घंटा और गुजर गया. द सन बिगिन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज. वृक्षों के पीछे जो है सूर्य जो है अस्त होने लगा. एंड द किंग एट लास्ट ड्रॉप द स्पेड इन टू द ग्राउंड. और आखिर में राजा ने उस स्पेड को उस गुदाली को वहीं पर छोड़ दिया, ग्राउंड पर ही जहां पर वो काम कर रहा था. और सेट और कहा, आई केम टू यू wise man, हे बुद्धिमान आदमी, मैं आपके पास आया हूँ. फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. आपसे अपने क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए. इफ यू कैन गिव मी नन. अगर आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, टेल मी, बताइए. सो आई विल एंड आई विल रिटर्न होम. आप मुझे ये बता दीजिए कि आप मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकते तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा. Here comes someone running. और वहां पर जो है दौड़ते दौड़ते कोई आता है, चलाता है. Said the hermit. और राजा को कहता है, संत को कहता है, let's see who it is. और वो hermit को कहता है, let's see, चलो देखते हैं who it is, की ये कौन है. The king turned around. राजा जो है घूम करके देखते हैं कौन है. And so a bearded man. Bearded man means दाढ़ी वाला इंसान था जिसको जो है दाढ़ी आई हुई थी. Come running out the forest. जंगल से निकल करके हट की तरफ आता है जहां पर वो खड़े हुए थे. The man held his hands pressed against his stomach. और जो आदमी वहां पर आया उसने अपने हाथों को अपने स्टमक के आगे पकड़ा हुआ था, दबाया हुआ था. And blood was flowing from under them. और उनके बीच में से जो है पेट में से खून बह रहा था. When he reached the king, जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, he fainted. वो बेहोश हो गया. Fainted means बेहोश जाना. And fell on the ground. और ground पर गिर गया. Morning, MOANING, morning, feebly. Morning feebly means कराहते हुए, कमजोर तरीके से वो गिर गया, बेहोश हो गया. द किंग एंड द हर्मिट अनफास्टेंड द मैन्स क्लॉथिंग. राजा ने और हर्मिट ने जल्दी से जो है उसके कपड़ों को उतारा.
There was a large wound in his stomach. और उनके स्टमक में, उस bearded, उस दाढ़ी वाले इंसान के स्टमक में बहुत ही बड़ा घाव था. Wound means घाव. The king washed it as well as he could and bandaged it. राजा ने जो है उसको क्लीन किया, उसको साफ करने के बाद उस पर बैंडेज लगाई. एंड इट विद हिज हैंडकरचीफ, अपने हैंडकरचीफ, अपने रुमाल के साथ. एंड अ टॉवल दैट द हर्मिट हैड, और वो टॉवल जो हर्मिट, जो संत था, जिसके पास था. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप, लेकिन ब्लड जो है अभी भी नहीं रुका था फ्लोइंग. एंड द किंग रिमूव्ड द बैंडेज. सॉरी, अब राजा ने जो है बैंडेज को उतारा. सॉक्ड विद वार्म ब्लड, और उसको ब्लड को जो है सॉक किया, उसके अंदर उसको ब्लड जो निकल रहा था उसको इकट्ठा किया, सॉक करने की कोशिश की उसको. सॉक करना मीन्स पाने की कोशिश की, उसको चूसने की कोशिश की विद दिस क्लॉथ. अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहे किंग ताकि ब्लड रुक जाए. एंड वॉश्ड द बैंडेज, और बैंडेज, और उसको वॉश करके फिर उसको बैंडेज द वुंड, और घाव के ऊपर जो है उन्होंने बैंडेज लगा दिए, उसको बांध दिया. व्हेन एट लास्ट द ब्लड स्टॉप्ड, और आखिर में जब ब्लड जो है रुक गया फ्लोइंग, बहना, द मैन रिकवर्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. जब उस आदमी ने, वो आदमी रिकवर कर गया, तो उसने पूछा कि उसको पीने के लिए कुछ मिल सकता है. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. राजा जो है फ्रेश वाटर लेकर के आए और उस बियर्डेड दाढ़ी वाले इंसान को दे दिया. मीनवाइल उसी दौरान द सन हैड सेट. सन जो है सेट हो चुका था, अस्त हो चुका था. एंड इट हैड बिकम कूल, और ठंड हो चुकी थी. सो द किंग विद द हर्मिट हेल्प, हर्मिट की हेल्प से किंग ने कैरीड द वुंडेड मैन इनटू द हट. उस जख्मी इंसान को जो है हट के अंदर लेकर के गए. द मैन ले देयर क्वाइटली, चुपचाप वहां पर लेट गया. विद हिज आईज क्लोज्ड, अपनी आंखों को बंद करके. बाय नाउ द किंग वॉज सो टायर्ड, और अब तक जो राजा थे वो काफी थक चुके थे, टायर्ड हो चुके थे. विद हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, और जो काम उसने किया था, दैट ही ले हिमसेल्फ डाउन, और वो भी वहां पर खुद लेट गए. एंड फेल एस्लीप, और सो गए वहीं पर. वेन ही अवॉक इन द मॉर्निंग, और वो जब सुबह उठे मॉर्निंग में, इट टुक हिम सम टाइम टू रिमेम्बर वेयर ही वॉज. और राजा को ये थोड़ा सा समय लगा कि वो कहाँ पर थे ये समझने में, और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन वॉज, और ये स्ट्रेंज अजनबी जो दाढ़ी वाला इंसान था ये कौन था. लाइंग बाई हिज साइड, जो उनके साइड में उनके पास बराबर में लेटा हुआ था. एंड गेजिंग इंटेंटली एट हिम, और उनके ऊपर जो है वो घूर रहे थे, उसके ऊपर जो है वो घूर रहा था. मीन्स जब राजा उठता है तो वो क्या देखता है कि समवन इज बिसाइड हिम, वो कहाँ पर है, वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं, और देखते हैं कि समवन इज देयर, जो कि दाढ़ी वाला इंसान है, वो राजा को घूर रहा है. इंटेंटली मीन्स वो बताता है, इंटेंटली मीन्स होता है जी हमारा फुल अटेंशन, पूरी अटेंशन के साथ जो है वो राजा को घूर रहा था. लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज. फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस. मुझे माफ कर दो, बिल्कुल छोटी सी पतली सी आवाज में उस दाढ़ी वाले इंसान ने राजा को बोला. व्हेन ही सो दैट द किंग वॉज अवेक, जैसे उसने देखा कि राजा जी उठ चुके हैं. एंड वॉज लुकिंग एट हिम, और उसकी तरफ देख रहे हैं. आई डोंट नो यू, नॉर डू आई हैव एनीथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग. अब राजा ने क्या कहा कि ना तो मैं आपको जानता हूं, और ना ही जो है मैं आपको किसी काम के लिए माफ करूं. कैसे करूं, किस बात के लिए माफ करूं, मुझे नहीं पता. राजा ने यह बात उस दाढ़ी वाले इंसान को बोली. यू डोंट नो मी बट आई नो यू. अब वो दाढ़ी वाला इंसान कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूं. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स
who swore to revenge. मैं आपका एक शत्रु हूँ, एनिमी हूँ, और जिसने कसम खाई थी, स्वोर मीन्स कसम खाई थी, टू रिवेंज, बदला लेने के लिए, हिमसेल्फ ऑन यू, आप पर, बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड माई ब्रदर, आपने जो है मेरे ब्रदर की हत्या कर दी थी. एग्जीक्यूटेड मीन्स हत्या कर दी थी, मार दिया था. एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, और उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था, कब्जा कर लिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी द हर्मिट. मुझे ये पता था कि आप अकेले जो हैं संत के पास आए हैं, हर्मिट के पास आए हैं. एंड आई रिजॉल्व्ड टू किल. रिजॉल्व्ड मीन्स स्टूडेंट्स हियर, लाइक वो कहता है कि भाई तुम जो है डिटरमाइंड किया, मैंने इस बात को रिजॉल्व किया, कमिट किया कि भाई मैं आपको मारूंगा. रिजॉल्व टू किल यू ऑन योर वे बैक, और तुम वापसी में जब आओगे, आप वापसी में आओगे तो मैं आपको वापसी में मार दूंगा. बट द डे पास्ड, दिन बीत गया एक, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और पूरा दिन आप नहीं आए. सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बुश. एम्बुश मीन्स होता है जी ट्रैप, हिडन पोजिशन फ्रॉम विच अ सरप्राइज अटैक इज मेड. और ये इस तरह की जगह होती है जहां पर जो है छिपे रहते हैं और सरप्राइजिंगली जो है अटैक करते हैं बेसिकली. राइट, लेट मी जस्ट सी सो दैट वी कैन पॉइंट आउट द थिंग्स. लेट इट बी विजिबल एंड देन आई नीड टू गो विद दिस पेन. सो वी कैन सी द वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स. एम्बश, बेसिकली द मीनिंग ऑफ एम्बश इज गिवन हियर, लाइक आई एम डूइंग दिस अंडरलाइन. यस, यू कैन डू दिस हियर. यू कैन फाइंड, टू फाइंड यू, आपको ढूंढने के लिए. योर बॉडी गार्ड्स रिकग्नाइज्ड, आपके बॉडी गार्ड्स ने मुझे पहचान लिया. एंड वुंडेड मी, और मुझे जख्मी कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम देम, बट मैं उनसे बचकर के तो निकल गया. बट वुड हैव ब्लड टू डेथ, और मेरा, लेकिन मेरा ब्लड इतना निकल चुका था कि मैं मर सकता था. हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वुंड, अगर आपने मेरे वुंड को बैंडेज नहीं लगाई होती, ब्लड को नहीं रोका होता, नहीं ध्यान दिया होता. ड्रेस्ड माई वुंड, आई विश्ड टू किल यू, मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मार दूं. बट यू सेव्ड माई लाइफ, लेकिन आपने जो है मेरी जिंदगी बचाई है. यू सेव्ड माई लाइफ. नाउ इफ आई लिव, अगर मैं जीऊंगा, एंड इफ यू विश इट, अगर और अगर आपकी इच्छा हो, आई विल सर्व यू ऑल माई लाइफ. अब मैं पूरी जिंदगी जो है आपको सर्व करूंगा, आपकी सेवा करूंगा. द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस, और इस बात पर राजा जो है बड़े खुश हुए कि भाई इन्होंने जो अपने एनिमी विद एन एनिमी सो इजिली, कि बिना किसी ज्यादा एफर्ट के उसने अपने एनिमी के साथ क्या कर लिया है, शांति बना दी है, पीस बना दिया है. एंड टू हैव गेन्ड हिम, और उसको पा लिया है एज अ फ्रेंड, एज अ सर्वर बेसिकली. फॉर अ फ्रेंड ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, अब उस राजा ने न केवल बल्कि उसे माफ किया, बट सैड ही वुड सेंड हिज मैन एंड हिज ओन फिजिशियन टू अटेंड टू हिम. वो अपने आदमी को भेजेगा और अपने फिजिशियन डॉक्टर को भेजेगा जो उसके जख्मों को उसको अटेंड करके उसकी हेल्प करेगा अच्छे से रिकवर करने के लिए. द किंग देन टुक लीव ऑफ हिम, और राजा जो है उसके पास से आ जाते हैं, चले आते हैं. वेंट आउट ऑफ द हट, और हट से बाहर आ जाते हैं. टू लुक फॉर द हर्मिट, के हर्मिट को खोजने लगते हैं, देखते हैं कि वो हर्मिट वाइज मैन कहाँ पर है. बिफोर गोइंग अवे, वहां से दूर जाने तो पहले, ही विश्ड वंस मोर टू बेग फॉर एन आंसर, और उसकी इच्छा थी कि भाई मैं जो है एक बार और हर्मिट से अपने क्वेश्चंस को पूछ लूं. टू द क्वेश्चंस ही हैड आस्क्ड, जो क्वेश्चंस उसने पूछे थे. द हर्मिट वॉज आउटसाइड, जो हर्मिट था वो आउटसाइड था. ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, सोइंग सीड्स, और वो जो है बीज बो रहे थे बेसिकली, जो गुदाई उन्होंने कल की थी. इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले जो खुदाई की थी उसमें जो है वो बीज बो रहे थे. द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, राजा जो है उनके पास पहुंचते हैं और कहा, फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार जो है मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं. आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं,
टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, ए बुद्धिमान इंसान मेरे क्वेश्चन के आंसर मुझे दीजिए. राइट, यू हैव ऑलरेडी बीन एंसर्ड, सेड द हर्मिट. और महात्मा ने यह बात उसको बोली कि आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल चुके हैं. स्टिल क्राउचिंग, क्राउचिंग मीन्स वॉट? एट द एंड वी कैन सी स्टूडेंट्स, इट इज हियर एट द एंड. यस, दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्राउचिंग. यू कैन सी इन द बुक, क्राउचिंग मीन्स इट इज गिवन स्क्वाटिंग, सिटिंग ऑन वंस हील, अपने घुटनों पर बैठे बैठे जो है उन्होंने, स्टिल क्राउचिंग ऑन हिज थिन लेग्स, पतली पतली टांगों के ऊपर बैठे हुए, एंड लुकिंग अप, देखते हुए एट द किंग, राजा की तरफ, हु स्टूड बिफोर हिम, जो कि उसके सामने खड़ा हुआ था. व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग. राजा ने क्वेश्चन पूछा कि आपका क्या मतलब है इस बात को लेकर के, क्या क्या कहना क्या चाहते हो आप, व्हाट डू यू मीन, डू यू नॉट सी, क्या आपको नहीं दिखता. रिप्लाइड द हर्मिट, जो संत थे उन्होंने कहा, क्या आपको नहीं दिख रहा है, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर आपने मेरी, पिटीड मीन्स वो कहता है दया दिखाना, मेरी कमजोरी के ऊपर दया दिखाना, कल जब मैं खुदाई कर रहा था, कि मीन पिटीड मीन्स होता है भाई बच्चों, दिस इज पिटीड, पिटीड मीन्स दया करना, दया दिखाना मेरी कमजोरी के ऊपर, वीकनेस के ऊपर, यस्टरडे कल, एंड स्टेड टू डिग दीज बेड्स, और यहाँ पर इनको खुदाई करने के लिए, इस जगह को खुदाई करने के लिए तुम यहाँ मेरे पास रुके, यू वुड हैव गॉन बैक, अगर तुम नहीं रुकते और तुम चले जाते वापस, एंड बीन किल्ड बाय दैट मैन, और उस आदमी के द्वारा, उस इंसान के द्वारा जो दाढ़ी वाला इंसान था, उसके द्वारा तुम मारे जाते, हैव बीन किल्ड बाय दैट मैन. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज, अब हर्मिट उसको बताता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट समय था, दैट वॉज वेन यू वर डिगिंग बेड्स, जब आप जो है बेड्स मीन्स खुदाई कर रहे थे धरती की, जो आप खुदाई कर रहे थे, गुदाली कर रहे थे मेरे लिए, दैट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम. एंड आई, और मैं, वो कहता है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और उस समय मैं आपके लिए सबसे ज्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था उस समय. एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए मेरा काम करना अच्छे से, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम था उस समय. आफ्टर वर्ड्स, उसके बाद, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर अटेंडिंग टू द मैन, दैट मैन, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट समय कौन सा था, जब आप उस इंसान को अटेंड कर रहे थे, उसकी हेल्प कर रहे थे. फॉर इफ यू हैड नॉट अटेंडेड टू हिज वुंड्स, अगर आपने उसके जख्मों को अटेंड नहीं किया होता, उसकी देखभाल नहीं की होती, ही वुड हैव डाइड, वो मर चुका होता, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बगैर आपसे शांति बनाए, संधि बनाए, और आपको सारी बात बताई. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और वो जो था आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आदमी था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए किया, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और वो आपका सबसे जरूरी काम था जो आपको करना चाहिए था. रिमेम्बर, याद रखो, देन देर इज ओनली वन टाइम, कि उस समय जो है केवल एक ही समय होता है, देर इज ओनली वन टाइम, एक ही समय होता है, एक ही टाइम होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है. That is important. Now, it is the most important time because it is the only time when we have any power. और वो ही समय होता है जब हमारे पास किसी काम को करने के लिए पावर होती है, पावर होती है, we can do that work properly. The most necessary person is the one whom you are with. सबसे important person आपके लिए वो है जो आपके साथ है. For you, आपके लिए, do not know whether you will ever have dealings with anyone. कि आपकी जो है किसी दूसरे के साथ कोई डीलिंग भी हो पाएगी, कोई संधि भी हो पाएगी, कोई बिजनेस भी हो पाएगा या नहीं, विद एनी वन, किसी दूसरे के साथ, एनी वन एल्स. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, और वो कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, इज टू डू दिस पर्सन गुड, और जो आपके साथ है
उसके साथ अच्छा करना, अच्छे से रहना, बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वर यू सेंट इन टू द लाइफ, और इसी पर्पज, इसी उद्देश्य, इसी काम के लिए जो है आपको यहाँ पर भेजा गया है, आप यहाँ पर आए हो. सो डियर स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टूड द थ्री क्वेश्चंस asked by the king to the hermit. He got the answers of the questions without telling the answers by the hermit. That means the things were acted upon itself. अपने आप जो है चीजें चेंज होती रही, अपने आप चीजें बनती रही. So we understood the chapter. Now reading, answer these questions. So dear students, what will you do basically? You will try to find out the answers of these questions. Means the next day of this video, you will be sent answer key. What were the three questions that the king asked? This is first question. कि भाई राजा ने कौन से तीन क्वेश्चन पूछे थे? This is in the text. You have read it already. I told you. Next question क्या है? What did he do to find answers to his questions? अब अपने questions के answers को ढूंढने के लिए उसने क्या किया? उसने अनाउंसमेंट कराई, प्रोक्लेमेशन कराई, रिवॉर्ड डिसाइड किया, राइट? यू कैन राइट इट. वॉज ही सेटिस्फाइड विद द आंसर्स ही रिसीव्ड? वाई वाई नॉट? क्या राजा सेटिस्फाइड था अपने आंसर्स को लेकर के, जो आंसर्स लोगों ने, जो पीपल ने उसे दिए? अगर था तो क्यों था, अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? यू विल फाइंड आउट. रेस्ट आई विल सेंड यू इन द आंसर. हुम डिड द किंग फाइनली अप्रोच फॉर द आंसर्स? और फाइनली राजा अपने आंसर्स के लिए किसके पास गया? ऑफकोर्स द किंग वेंट टू द हर्मिट, बेसिकली द वाइज मैन, फाइंड हिज आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, राइट? यू विल से दिस, डिस्क्राइब द ट्रेन ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस व्हेन द किंग वाज वेटिंग फॉर द आंसर्स. जब राजा जो है हर्मिट के पास था, उनके यहाँ क्वेश्चंस पूछ रहा था उनसे और काम कर रहा था, सो इसका जो चेन थी, जो सीक्वेंस थी, हमें वो बतानी है. यू विल गेट इट इन द पीडीएफ आंसर्स स्टूडेंट्स. रेस्ट यू विल रीड योर सेल्स, प्रैक्टिस योर सेल्स, एंड आई विल सेंड यू द आंसर की, राइट? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.